तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने वाइड रेशियो मीन्स रिक्तानुपात, पोरोसिटी मीन्स सन्नद्धता और इनके बीच में संबंध पढ़ा हुआ था कि एन और ई में क्या संबंध होता है तथा ई और एन में क्या संबंध होता है। प्लस इसके साथ साथ हम लोगों ने जो सॉइल का थ्री फेज डायग्राम था, टू फेज डायग्राम था, उनके बारे में भी अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, थ्री फेज था या टू फेज था, तो टू फेज में कौन कौन सी कंडीशन आ रही थी, उस हिसाब से हम लोग जो सॉइल थी वो तो सॉइल कौन सी थी, थ्री फेज में जो सॉइल बन रही थी वो तो सॉइल किस टाइप की सॉइल थी, और वहीं पर जो हमारा टू फेज था, टू फेज में यदि कंडीशन चेंज हो रही थी तो फिर सॉइल हमारी सॉइल जो टाइप था वो तो कौन सा चेंज हो जा रहा था, वो कल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो आज सबसे पहले उनके जो कुछ फार्मूले हैं वो फार्मूले रिवाइज करेंगे, प्लस इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ था, ई, और ई हमारा क्या था, वाइड रेशियो था। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या था, ई बराबर वीवी अपॉन वीएस। ठीक, वहीं पे हमारा वीवी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, फिर दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, एन, और एन को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, पोरोसिटी इसकी हिंदी क्या होती है, सन्नद्धता, लिख लो जो हिंदी वाले हों हिंदी में लिख लें, इसकी हिंदी होती है सरंधता, और इसकी वाइड रेशियो की होती है रिक्तता अनुपात। ओके, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, पोरोसिटी का, एन बराबर वीवी अपॉन वी। ठीक, जहां पे हमारा वीवी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और वी क्या था, वी था हम लोगों का टोटल वॉल्यूम। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ई। एन और ई के बीच में संबंध, एन तथा ई के बीच में संबंध, जहाँ पे हमारा एन क्या है, पोरोसिटी है, और ई हमारा यहाँ पे क्या है, वाइड रेशियो है। क्या संबंध पड़ा हुआ था, एक हम लोगों को फॉर्मूला निकल के आया हुआ था, एन बराबर ई अपान वन प्लस ई। वहीं पे हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला निकल के आया हुआ था, ई इक्वल टू n अपॉन वन माइनस n। ठीक, हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले ड्राइव किए हुए थे, कैसे ड्राइव किए हुए थे वो भी बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, e बराबर वी वी अपॉन वी एस। यदि हम लोग किसी फॉर्मूले को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिया हुआ सपोज दैट e बराबर वी वी अपॉन वी एस। ठीक, सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होगी हम लोगों की, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि इनका इन्वर्स कर दो। इनका इन्वर्स करेंगे यानी वन अपॉन ई इक्वल टू वी एस अपॉन वी। ठीक, इसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या थी, दोनों तरफ वन वन ऐड कर दो। जब दोनों तरफ वन वन ऐड कर दोगे, इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस ई अपॉन ई बराबर वी एस प्लस वी वी अपॉन वी।
अपॉन वीवी। ओके, अब यहां से देखो जरा, मैंने बताया हुआ था कल की क्लास में कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम बराबर क्या था, वी एस प्लस वी ए प्लस वी डब्ल्यू। साथ में ये भी बताया हुआ था कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होगा मीन्स हवा का आयतन, और जो पानी का आयतन होगा मीन्स जल का आयतन होगा, वो दोनों किसमें प्रेजेंट होंगे, ये दोनों प्रेजेंट होंगे हमारे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में, मीन्स जो वहाँ पे रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान के अंदर ही दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी एस प्लस वी वी। अब जरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, सेम यही फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है। एक ऊपर वाले टर्म में यहाँ देखिए, ऊपर टर्म में यहाँ क्या बना हुआ है हमारा, देखिए इधर पे ये है वी एस प्लस वी वी। वी एस प्लस वी वी को यहाँ पे चेंज कर दीजिए, और जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ई अपॉन ई बराबर वी अपॉन वी वी। ठीक, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है, एन बराबर क्या पढ़ा हुआ है फार्मूला, वी वी अपॉन वी। ठीक, एन यहाँ पे क्या था हमारा, पोरोसिटी था। अब ये फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, एन बराबर वी अपॉन वी है, और जबकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वी अपॉन वी वी आ रहा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि वन अपॉन एन बराबर वी अपॉन वी वी, ये भी तुम लोगों को फार्मूला हो सकता है इसी से इन्वर्स करने के बाद। ठीक, जब यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, यानी ये वन अपॉन एन का फार्मूला बन गया, और इसको यहाँ पे वन अपॉन एन के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, एक हमारा कोई फार्मूला बन के आ रहा, लेकिन एक सिक्वेंसिंग फॉर्म में नहीं है। जब ये हमारा किसी सिक्वेंसिंग फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको फिर दोबारा से इन्वर्स कर देंगे। जब इसको दोबारा से इन्वर्स करेंगे तो हमारे यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन वन प्लस ई इक्वल टू एन। ये हमारा एक प्रॉपर फार्मूला बन गया, जो कि क्या था हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन एन एन ई। और देखिए वही अभी मैंने फार्मूला यहाँ लिखा हुआ था कि एन बराबर ई अपॉन वन प्लस ई, और सेम वही हमारा फार्मूला यहाँ पे बन के आ गया। ठीक, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ था, ये हमारा क्या था, एन और ई के बीच में क्या था, संबंध था, और वो संबंध हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। ओके, इस प्रकार से अब जो यहाँ दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है, ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, जरा इसको भी देख लो ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं एन बराबर वी वी अपॉन वी। ओके, ठीक है सर, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगी कि इनको इन्वर्स कर लेंगे। जब इनको इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन इक्वल टू वी अपॉन वी वी। ठीक है सर, आपने बोला कि इन्वर्स कर लीजिए, तो हमने इसे इन्वर्स कर लिया। अब क्या करेंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, यानी इस वाली प्रोसेस हम लोगों ने क्या क्या हुआ था, दोनों तरफ वन वन ऐड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे वन वन ऐड किया हुआ है, इधर भी ऐड किया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमने क्या किया, वन वन ऐड किया है। बट यहाँ पे ऐड करने की जगह हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हमें वन वन लेस करना है। ठीक है, और जब दोनों तरफ वन वन लेस करना है तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, देखो वन अपॉन एन माइनस वन बराबर v अपॉन वी वी माइनस वन। ओके, दोनों तरफ हमारी हम लोगों ने क्या किया, वन वन को लेस कर दिया। अब लेस करने के बाद अब क्या करेंगे, इनको फिर वही सेम कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, वन माइनस एन अपॉन एन बराबर v माइनस वी वी अपॉन वी वी। ठीक, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया हुआ था, जरा एक बार देखिए यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि v बराबर वी एस प्लस वी ए प्लस वी डब्ल्यू, वी बराबर वी एस प्लस वी ए प्लस वी डब्ल्यू। अब जरा इधर पे देखिए कि इसमें हमारा कौन सा फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे हमारा फॉर्म बना हुआ है v माइनस वी वी। ठीक, v माइनस वी वी, तो इससे हम कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कि v माइनस वी वी, एक हमारा फॉर्मूला यहाँ से ये भी निकल के आया हुआ था कि वी एस प्लस वी वी। जरा यहाँ पे थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए यहाँ पे कि जब हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या निकल के आया हुआ है, v बराबर वी एस प्लस वी वी
तो क्या हम इसको एक दूसरे से दूसरे का चेंज नहीं कर सकते हैं? ठीक, मतलब इसको VV को इधर ट्रांसफर कर दो, जब ट्रांसफर करोगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, V माइनस VV बराबर VS। ठीक, यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद हमारा ये फार्मूला बन गया, सेम यही यहाँ पे देखो बना हुआ है, V माइनस VV। तो मतलब इसको यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS अपॉन VV। अब जरा थोड़ा सोचिए कि ये फार्मूला कुछ हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, जो यहाँ पे निकल के आया हुआ है, क्या निकल के आया है, VS अपॉन VV, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? तो देखो जरा इधर, जब मैं आपको ये फार्मूला पढ़ा रहा था, E वाइट रेशियो को फार्मूला, वाइट रेशियो को हमारा फार्मूला क्या था, VS अपॉन सॉरी VV अपॉन VS, E बराबर VV अपॉन VS। लेकिन यहाँ पे जो हमारा निकल के आया हुआ है, ये क्या निकल के आया, VS अपॉन VV। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का जस्ट इनवर्स है। जब एक दूसरे का यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर वन अपान ई कर सकते हैं, क्योंकि ये ई का ही फॉर्मूला है लेकिन क्या है, इनवर्स में है। तो अब इनको फिर दोबारा से इंटरचेंज कर लो, यानी एन अपान वन माइनस एन बराबर ई, हमारा दूसरा फार्मूला, ये दूसरा रिलेशनशिप हमारा ये निकल के आ गया। देखो अभी यही मैंने रिलेशनशिप आप लोगों को बताया हुआ था कि E इक्वल टू एन अपान वन माइनस एन, और सेम वही यहाँ पे निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक, इतना कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक, अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि सर E और N की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी होती होगी। ठीक, E और N की कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी होती होगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो नोट करके यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखेंगे आप लोग, लिख लो दी वैल्यू ऑफ दी वैल्यू ऑफ वाइड रेशियो ई इज ऑलवेज greater than zero। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइड रेशियो की वैल्यू, वाइड रेशियो की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। हिंदी वाले लिख लें कि रिक्तता अनुपात का मान हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। ठीक, जीरो से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का दी रेंज ऑफ दी रेंज ऑफ दी वैल्यू ऑफ पोरोसिटी वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी इज, जो हम लोगों का पोरोसिटी होता है मीन्स एन, उसका रेंज कितना होता है, तो रेंज लिख लो जीरो से बड़ा होता है, ठीक, और एन से कम सॉरी वन से कम होता है, मीन्स इसकी लिमिट जो एन की वैल्यू है, वो एन की वैल्यू कहाँ कहाँ के बीच में लाई करती है, कि एन का मान जीरो से ज्यादा तथा एक से कम होता है,
ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो n की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, तो ना ही ये 0 होगा और ना ही 1 होगा, ठीक। तभी मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया हुआ है कि वैल्यू 0 से ज्यादा तथा 1 से कम होती है। यदि मैं यहाँ पे साथ में इक्वल का साइन लगा देता तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि 0 के बराबर, 0 से ज्यादा तथा बराबर, 1 से कम और बराबर हो सकता है। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि जो ये वैल्यू है, ठीक, ये वैल्यू क्या है हमारी कि 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। ओके, कुछ और एक और इंपॉर्टेंस पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लो कि क्या है कि n की वैल्यू या n को प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक। n की वैल्यू हमेशा किसमें होगी, परसेंटेज में इंडिकेट करेंगे, n की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में इंडिकेट करेंगे। वहीं पे जो e की वैल्यू होगी, e की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में इंडिकेट करेंगे। e की वैल्यू किसमें लिखेंगे, डेसिमल में इंडिकेट करेंगे, डेसिमल या नॉर्मल, ठीक, इसको परसेंटेज में मत करना, नॉर्मल इंडिकेट करेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो डेसिमल में लिखेंगे, या जो हमारी नॉर्मल वैल्यू आएगी मींस 1, ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे। ये मत कर देना कि ई की वैल्यू इतने परसेंट है। बट वहीं पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि एन हमारा क्या आया, तो एन की वैल्यू मान लो सपोज दैट 0.1 आया, ठीक है, 0.2 आया, तो आप लोग इसे क्या बताएंगे, परसेंटेज में बताएंगे कि ये इतना परसेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा किसी नॉर्मल वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, दूसरी चीज और यहाँ पे देख लो, और जो कुछ फॉर्मूले थे कल की ही क्लास में मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ था, कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और साथ में मैंने आपको बताया हुआ था घनत्व मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था किससे, रो से, ठीक, रो बराबर एम अपॉन वी, ठीक, रो बराबर एम अपॉन वी। और यहीं पे यदि मैं आपसे बोल देता हूं कि बेटा शुष्क घनत्व, मैं क्या बोल देता हूं, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी मींस क्या हो गया, ये हमारा शुष्क घनत्व, शुष्क घनत्व। तब इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, रो डी बराबर एम डी अपॉन वी, तब इसका हमारा इंडिकेशन क्या हो जाएगा कि रो डी बराबर MD अपॉन वी, ठीक। ये तो हमारा क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डेंसिटी, ठीक, ये ड्राई डेंसिटी है और ये नॉर्मल डेंसिटी है। नॉर्मल डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेंसिटी को हम लोग बल्क डेंसिटी भी बोल देते हैं, नॉर्मल डेंसिटी को हम लोग बल्क डेंसिटी भी बोल देते हैं। ध्यान देना, नॉर्मल का मीन्स क्या है, नॉर्मल की मीन्स हमारा यहाँ पे बल्क होगा। अब बल्क का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल कंडीशन में हो, बल्क का मीन्स क्या होता है, जो नेचुरल कंडीशन में हो, ठीक, बल्क, बल्क का मीन्स हमारा क्या होगा, नेचुरल, ठीक। ये हम लोगों ने घनत्व पढ़े हुए थे, प्लस अब घनत्व के साथ आगे देख लेते हैं कि एकांक भार, एकांक यानी यूनिट वेट, एकांक भार मतलब यूनिट वेट, ये सभी फॉर्मूले आप लोग कंटिन्यूसली लिखते हुए चले जाएं। और जो चीज समझ में ना आए तो बीच में ही बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, यूनिट वेट इसकी हिंदी क्या होती है, एकांक भार,
एकांक भार। ठीक, तो यहां पे देखना, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, घनत्व का फॉर्मूला, कि रो बराबर, ठीक, रो बराबर एम पान वी। ठीक, अब मैं इसी फॉर्मूले से, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपके एक जर्नली फॉर्मूला था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, वही मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, और अब भी मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा, घनत्व बराबर, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमारा क्या है, एम मास है, ठीक, वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, अब ध्यान देना, यदि मैं दोनों तरफ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन मीन्स गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई करवा देता हूं, मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, जी का गुणा करवा देता हूं, जब यहां पे मैं जी का गुणा करवाऊंगा तो अब हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा उसको भी देख लो। जब मैंने यहाँ पे जी का गुणा करवाया, ये गुणा करवा दिया और इधर भी जी का गुणा करवा दिया, ठीक, तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, रो जी बराबर एम जी अपॉन वी बना आपका फॉर्मूला। और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो हमारा गामा होता है, कि गामा बराबर रो जी होता है, ठीक, और डब्लू बराबर एम जी होता है, ठीक, गामा बराबर रोजी होता है और डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। अब इनको आपस में चेंज कर दो, तो जब आप लोग इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, देखो, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, ठीक, जो ये आपको फार्मूला बन के आया, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, यही हमारा क्या है, यही हमारा यूनिट वेट है, जो यहाँ से फार्मूला ने बन के आया, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, ये हमारा क्या है, ये ही हमारा यूनिट वेट है। ठीक, यही हमारा क्या था, यूनिट वेट था। अब यहीं पे यदि मैं बात कर लूं कि ड्राई यूनिट वेट, अभी यदि मैं आपसे नॉर्मल की बात करता हूं, नॉर्मल यूनिट वेट, तो नॉर्मल यूनिट वेट को अभी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बल्क यूनिट वेट भी इसे लिख सकते हैं, बल्क यूनिट वेट, ठीक, नॉर्मल यूनिट वेट को ये सिर्फ ओनली भी हमारा यूनिट वेट के लिए लिखा हुआ है, उस यूनिट वेट को हम लोग क्या लिख देते हैं, बल्क भी बोलते हैं। तो ध्यान देते जाना कि यदि मैं आपसे, हो सकता है क्वेश्चन में बल्क ना लिखा हो तो आप लोग क्या समझेंगे कि बल्क के बारे में बोल रहा है, बट यदि यहीं पर हमारा क्या कर देता, ओपन कर देता, इसे लिख देता ड्राई यूनिट वेट, क्या लिख देता, ड्राई यूनिट वेट, तो जरा ड्राई यूनिट वेट के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ड्राई यूनिट वेट, ठीक, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, शुष्क एकांक भार, इसकी हिंदी क्या हो गई, शुष्क एकांक भार, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ड्राई डेंसिटी पढ़ा हुआ था, ड्राई डेंसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, जरा यहाँ पे देख लेते हैं, रोडी बराबर एम डी अपान वी, ठीक, हम लोगों ने यहाँ फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, रोडी बराबर एम डी अपान वी, इसी फार्मूले का यहाँ पे बस हम लोग यूज करेंगे, यानी रोडी बराबर एम डी, ठीक, अपान वी। मैंने यहाँ पे एम डी क्यों लिखा हुआ है, एम डी, डी मैंने सफिक्स में इसलिए लगाया हुआ है कि मैं यहाँ पे ड्राई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो, जरा यहाँ पे लिख लो कि एम डी बराबर ड्राई मास, ड्राई मास मतलब शुष्क द्रव्यमान, ओके,
अब हमारे यहाँ पे क्या बन गया, रो डी बराबर एम डी अपान वी। ठीक, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ जी का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दोनों तरफ जी का मल्टीप्लाई करवाया, हमने इधर ही मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, रो डी इंटू जी बराबर एम डी इंटू जी अपान वी। ठीक, और आप लोगों को ये अच्छे से मालूम है कि जब हम लोग घनत्व में जी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लोग जी पे घनत्व पे सॉरी द्रव्यमान पे, ठीक है, द्रव्यमान पे यदि मल्टीप्लाई करवा दें तो भार में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि घनत्व पे करवा दें तो ये एकांक भार में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोडी 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 इंटू जी, ये हमारा किसमें हो जाएगा, हो जाएगा गामा डी में। ठीक, और वहीं पे एम डी इंटू जी, ये हमारा किसमें हो जाएगा, डब्लू डी में। ठीक, तो इससे हमारा एक क्या फार्मूला निकल के आ गया। अब जरा ये वैल्यू आपस में यहाँ पे पुट कर दो, देखो इधर पे जी आ रहा है, इसकी जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देना। ठीक, और इधर पे डब्ल्यू डी की इसकी जगह है, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देना। जब यहाँ पे वैल्यू आप लोग आपस में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा डी इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन वी। तो हमारा फार्मूला ये फार्मूला बन गया, और ये फार्मूला हमारा किसका फार्मूला है, ये है हमारा फार्मूला, देख लो, ड्राई यूनिट वेट का। ये हमारा फार्मूला किसका है, शुष्क एकांक भार का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो जिसने ना लिखा हो कि इनको आपस में ये तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, या इनको लिखते हुए जाए। ठीक, अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, यदि मैं यहाँ पे आपसे बात कर देता हूं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, बात क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अभी हम लोगों ने बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट की बात की, यदि अब हम लोग बात करें यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो जरा देख लेते हैं इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। लिख लो, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ठोस का एकांक भार। ये सभी फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई भी फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है। सब फार्मूले यदि आप लोग एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे निकालने की, तो अपने आप से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वेट की, वही सॉलिड की, तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, लिख लो, गामा एस बराबर डब्ल्यू डी अपॉन वी एस। ठीक, तब हमारा फार्मूला यहाँ पे ये बन जाएगा। जब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा होगा जरा कि आप लोगों ने कि जो हमारा फार्मूला था, सेम फार्मूला वही है, गामा बराबर डब्ल्यू अपान वी। इसी फार्मूले से यदि हम ये कंडीशन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये बल्क वाला फॉर्म बन जाता है। ठीक, यदि हम यहाँ डी लगा दें, इधर डी लगा दें, तब क्या बन जाता है, ये ड्राई कंडीशन बन जाती है। ठीक, यदि हमें सॉलिड का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इधर एस लगा देंगे, ठीक है, एस लगा देंगे, और नीचे भी हमारा जो वॉल्यूम है ये ओवरऑल वॉल्यूम मींस टोटल वॉल्यूम ना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, जो सिर्फ सॉलिड है उस सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये फार्मूले यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे दोबारा बताइए सर, क्या चीज, सॉलिड का फॉर्मूला सर कैसे होगा,
जैसे हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इधर देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, गामा बराबर एक डब्ल्यू अपॉन वी। ये कंडीशन हमारी कौन सी थी, ये कंडीशन थी हमारी बल्क की कंडीशन। अब लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, ये कंडीशन हमारी बल्क की कंडीशन थी। बट जब इसी पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसी में यहाँ पे हमने D का मल्टीप्लाई करवा दिया, एक इधर भी D का मल्टीप्लाई करवा दिया, तब हमारी ये किस में चेंज हो गया, ये तब ये ड्राई में कन्वर्ट हो गया। एक सिर्फ हमने यहाँ पे ये तो सिर्फ एक ओनली इंडिकेशन है कि ड्राई यूनिट वेट, हमने क्या किया यहाँ पे मोस्टली जो हमारा है ये हमारा, हमने यहाँ पे ड्राई भार लिया, उसका शुष्क भार लिया है। बट जब हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में हम लोग क्या कर देंगे, तो जो यहाँ पे जो ये वी है, वी हमारा क्या है, टोटल वॉल्यूम है, वी हमारा टोटल वॉल्यूम है। एक वी यहाँ पे हमारा क्या था, टोटल वॉल्यूम था। बट जब हमें सॉलिड के लिए निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मतलब किसी सॉइल सैंपल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में या उन्हीं को ही कंसीडर करेंगे। जब उनको कंसीडर करेंगे तो यहाँ तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा एस बराबर डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। तब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया, जो कि अभी हम लोगों ने, या देखो अब S लिखो या D लिखो, बात यहाँ पे सेम ही रहती है जैसे, लेकिन बस इतना याद रखना जो अपॉन में हम लोग करेंगे तो इधर पे ये हम लोग यहाँ पे सॉलिड कर लेंगे। ठीक, जब हम सॉलिड के लिए निकाल रहे हों तो यहाँ पे जो V लेंगे मीन्स आयतन लेंगे, वो सॉलिड का आयतन रखेंगे, ना कि ओवरऑल वॉल्यूम। हम यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जब सॉलिड के लिए निकाल रहे हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, ना कि ओवरऑल वॉल्यूम। ठीक, और जब हम लोग बल्क के लिए या ड्राई के लिए निकाल रहे हैं तो बल्क और ड्राई में हम लोग को क्या होता है, वहाँ पे हम लोग ओवरऑल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कोई बताएगा मुझे, अब देखिए हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में इनकी थ्योरी पूछ ले, हो सकता है कि जो अभी मैंने जितने फॉर्मूले बताए हुए हैं कि बताओ यहाँ पे हमारा शुष्क घनत्व क्या होता है, शुष्क एकांक भार क्या होता है, ठोस एकांक भार क्या होता है, या बल्क एकांक भार क्या होता है, ठीक, या स्थूल घनत्व क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है तो फार्मूले से ही आप लोग डिफिनेशन निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हमारा पूछ लेता है, इधर पे देखिए, यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए घनत्व क्या होता है, ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या मालूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो आप उसकी परिभाषा क्या लिख देंगे, घनत्व द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात के बराबर होता है, घनत्व द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यदि इसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है कि उसका शुष्क घनत्व क्या है, ठीक, ये शुष्क घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, जो उसका शुष्क द्रव्यमान है, शुष्क द्रव्यमान तथा कुल आयतन के अनुपात को, शुष्क द्रव्यमान तथा कुल आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क घनत्व बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि आपसे यूनिट वेट या एकांक भार पूछ लेता है तो इनकी डिफिनेशन भी आप लोग ऐसे ही बना देंगे। वहां पे आप लोगों ने द्रव्यमान लिया हुआ था, लेकिन जब यूनिट वेट की बात आती है तो यूनिट वेट में हम लोग द्रव्यमान ना कंसीडर करके क्या कंसीडर करते हैं, भार को कंसीडर करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक, तो लिख लो इसका फॉर्मूला। इसको हम लोग कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो इसको इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, कैपिटल जी बराबर गामा एस अपान गामा डब्लू। ठीक, यह इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, इसकी डिफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस एंड स्टैंडर्ड फ्लूड एंड स्टैंडर्ड फ्लूड। ये आप लोगों की जो परिभाषाएं हैं, आप लोगों ने हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा हुआ था। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व हमारा क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ फ्लूड, ये यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस टू स्टैंडर्ड फ्लूड। और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूड के रूप में हम किसका कंसिडर करेंगे? यूनिट वेट ऑफ वाटर को कंसिडर करेंगे। ठीक, इसी से एक हमारा फार्मूला और बन जाएगा। आप लोग ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ गामा के रूप में ही फार्मूला बनाया हुआ है, इसका हम लोग फार्मूला रो के फॉर्म में भी बना सकते हैं। यानी जी इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक, इसका एक फार्मूला हम लोग और भी बना सकते हैं। किस फॉर्म में बना सकते हैं? इसका फॉर्मूला हम लोग एम के फॉर्म में भी बना सकते हैं, यानी एम एस। ठीक, एम एस अपॉन एम डब्ल्यू इस फॉर्म में ही बना सकते हो। तो बट जहां जैसी ही रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते जाएंगे? इनको आपस में चेंज करते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो हिंदी वाले लिख लें इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी मृदा का विशिष्ट गुरुत्व, किसी मृदा का विशिष्ट गुरुत्व, लिखते जाओ, चलो मैं यही लिखवा देता हूं, किसी मृदा का किसी मृदा का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ठीक है, सॉइल के, ठीक, या सॉइल के एकांक भार तथा मृदा के एक एकांक भार मृदा के एकांक भार अब यहां पे ध्यान देना, मृदा लिखा हुआ है तो आप लोग सॉइल मत समझ लेना, इसे सॉलिड समझना, ठोस। ठीक, सॉलिड या ठोस, यानी ठोस मृदा के एकांक भार तथा जल के एकांक भार के
आर के अनुपात को अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। जी आप लोगों की इसकी डिफिनेशन हो गई। ठीक, इसी के आगे नोट करके एक पॉइंट और लिख लेना। ठीक, जो हम लोग जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन करते हैं तो उधर पे जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लिख लो डी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड 27 डिग्री सेंटीग्रेड एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जब भी हम लोग जिस समय भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस समय जो हमारा टेम्परेचर होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये हमारा किसने बताया हुआ है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मतलब भारतीय मानक के अनुसार हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए विशिष्ट गुरुत्व की मेजरमेंट करते समय वो कितना होना चाहिए, हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन एडिंग डाल लो, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखो S बराबर VW/VV। यहाँ पे जो हमारा VW है ये क्या है, लिख लो वॉल्यूम ऑफ वाटर। VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक, सैचुरेशन की हिंदी लिख लेना, हिंदी वालों इसकी हिंदी क्या होती है, संतृप्त। और यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूरी की लिखनी हो तो लिख लेना यहाँ पे संतृप्ति मात्रा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की पूरे की हिंदी लिखना हो तो लिख लेना संतृप्ति मात्रा। ठीक, तो अब हमारी इसकी डिफिनेशन, ये परिभाषा हमारी क्या, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इट्स वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक, या किसी मृदा मात्रा संतृप्ति, परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पे, किसी मृदा की संतृप्ति मात्रा जल के आयतन तथा उसमें उपस्थित
उसमें उपस्थित रिक्त स्थानों के आयतन की अनुपात को कहते हैं, ठीक। जो हमारा डिग्री या सेचुरेशन है ये संतृप्ति मात्रा है, और संतृप्ति मात्रा क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। हमारा यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, ये हमारा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, इसकी हिंदी क्या होती है, संतृप्ति मात्रा। एक ये फार्मूला हमारा किसका था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फार्मूला है, जिसकी हिंदी हमारी क्या होती है, संतृप्ति मात्रा। ठीक, वहां पे जो हमारा वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और वी वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है। इंग्लिश वाले इसके डिफिनेशन क्या लिख लें, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इट्स वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक, या डायरेक्टली आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। किसी भी प्रकार से आप लोग उस डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला मालूम है। ठीक, हमारे क्या हो गया, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, हेडिंग डाल लो परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स। परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बराबर वी ए अपॉन वी, एन ए बराबर वी ए अपॉन वी, और परसेंटेज लगा हुआ है तो इसमें हम लोग 100 का भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट का फॉर्मूला क्या है, एन ए बराबर वी ए अपॉन वी, और यहाँ पे हमारा एन ए क्या है, एन ए हमारा परसेंटेज एयर वाइट्स। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो एन ए, ठीक, परसेंटेज एयर वाइड, और वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, वी क्या है, टोटल वॉल्यूम, वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, जो हमारा वी ए है, वी ए ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक, और वी क्या है, वी हमारा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक, अब इसी के आगे और दूसरा फार्मूला है हमारा क्या है, एयर कंटेंट। ठीक, वो भी लिख लो इसी में, हेडिंग डाल लेना एयर कंटेंट, एयर कंटेंट। ठीक, एयर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एसी बराबर वी ए अपॉन वी वी। एयर कंटेंट का हमारा फॉर्मूला ये है, एसी बराबर वी ए अपॉन वी वी। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ये है एयर कंटेंट का फॉर्मूला, वी ए अपॉन वी वी। और जबकि वहीं पे हमारा जो फॉर्मूला था इसका, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स का, तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमारा इसका फॉर्मूला था एन ए बराबर वी ए अपॉन वी। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका था, ये था परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स का। ओके, इस प्रकार से ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को क्यों बताए, क्योंकि अभी आगे हम लोग इनके बीच में संबंध पढ़ेंगे कि एस ई और जी में क्या संबंध है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं, वहीं इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोगों ने कैपिटल जी से इंडिकेट किया हुआ है, और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वाटर कॉन्टेंट डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था कि डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ये वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक, कल की क्लास में हम लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ था कि वाटर कॉन्टेंट डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। ये फार्मूला मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हम लोग ई मीन्स वाइड रेशियो, एस मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू मीन्स वाटर कॉन्टेंट और जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके बीच में संबंध पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच में आपस में हमारा क्या संबंध है। ठीक, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताया हुआ है। एक चीज और लिख लेना इसके पहले, जो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, मीन्स जो इसकी लिमिट है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, इसकी लिमिट लिख लो जीरो के बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है एस की वैल्यू, और क्या हो सकता है वन के बराबर और वन से कम भी हो सकता है, ये इसकी लिमिट है। ये लिखो, ठीक, जो एस की वैल्यू है जीरो और वन के बराबर, जीरो और वन से कम भी हो सकती है, मींस इसका मतलब यहाँ पे ये निकल के आया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जीरो से एक के बीच में होती है, लेकिन इनके बराबर भी हो सकती है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस है, एस की वैल्यू जीरो और एक से कम, ठीक, जीरो और एक से, सॉरी मतलब जीरो से ज्यादा या बराबर तथा एक से कम या बराबर हो सकती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जीरो से ज्यादा तथा बराबर तथा एक से कम या बराबर हो सकती है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोगों ने जो एयर कंटेंट पढ़ा हुआ है, ठीक, एयर कंटेंट की भी लिख लो, एयर कंटेंट का हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी सेम एस के बराबर ही लाई करता है, मीन्स जीरो से बड़ा ये बराबर, ठीक, और एसी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वन के बड़े वन से कम या बराबर हो जाएगी, ये हो गया। ठीक, ये लिमिट यहाँ पे स्टार करके उसी में लिख लेना कि एसी की वैल्यू हमारी यही होगी। ये लिमिट मैंने क्यों बताया हुआ आप लोगों को, क्योंकि ये जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या कंपटीशन के प्रिपरेशन करेंगे, तो उस समय ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ई की वैल्यू क्या हो सकती है, ई की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक, एन की वैल्यू है तो एन की वैल्यू हमारा क्या होगा, एन की वैल्यू हमारी जीरो से ज्यादा और एक से कम होगी। इसी प्रकार जो एस की वैल्यू है तो एस की वैल्यू हमारी जीरो भी हो सकती है, जीरो से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से कम हो सकती है। इसी प्रकार जो हमारा एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जीरो से ज्यादा होगी, एक हो जाएगी और एक से कम होगी। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स उसकी भी लिमिट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स की लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे लिख लो, जो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स है इसकी लिमिट, इसको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि जीरो ज्यादा या बराबर, ठीक, एन की वैल्यू और एक से हमेशा कम रहेगी, एक से क्या रहेगी, कम रहेगी, ध्यान देना, ये जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा होगा एन की वैल्यू, लेकिन एक से हमेशा कम होगी। बट इन केस में क्या था, जो अभी हम लोगों ने ये वाले केस पढ़े हुए थे, चाहे हमारा परसेंटेज एयर वाइड मतलब एयर कंटेंट का हो, तो एयर कंटेंट के केस हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जो ये वैल्यू थी वो जीरो और एक के बराबर भी हो सकती थी। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाटर कंटेंट है, यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ओके, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो, हेडिंग हम लोगों को क्या डालनी है, ई डाल लो हेडिंग, ई ई ई हमारा क्या है, वाइड रेशियो
एस, एस हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कॉमा डब्लू, डब्लू हमारा क्या है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट एंड जी, जी यहां पे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी में संबंध, ये आप लोगों की हेडिंग है। हेडिंग क्या है, ई वाइड रेशियो, ठीक, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मींस एस, वाटर कंटेंट मींस डब्लू, तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस जी, इनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए, यानी रिलेशनशिप बिटवीन ई एस डब्लू जी, रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, इनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, इनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। हम लोग कैसे संबंध इनके बीच में स्थापित करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। बहुत सिंपल सा है, कोई भी फार्मूला, कुछ भी आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ गिनती का एक फार्मूला, बाकी आप लोगों के यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आसानी से करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अभी जस्ट थोड़ा ही देर पहले हम लोगों ने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या फार्मूला पढ़ा हुआ था, कि एस बराबर, एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, याद आया कुछ, ये बताया हुआ था मैंने, ये देखो फार्मूला लिखा हुआ है, एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ठीक। इसी फार्मूले का हमें यूज करना है, मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो देख लो, थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे यूज करना है, माइंड हमें क्या यूज करना है, कि हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग इसको हम लोग इसके बराबर भी लिख सकते हैं, यानी ई डब्ल्यू अपान ई, इसको हम लोग ई डब्ल्यू अपान ई के बराबर ही भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको छोड़ दो यहाँ से, ठीक, ये हमने कर दिया, ठीक। अब देखो, यदि हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ वीएस का मल्टीप्लाई करवा दें, वीएस का मल्टीप्लाई करवा दें, कोई प्रॉब्लम, ठीक। हमने क्या किया है, वीएस का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया है, जब मल्टीप्लाई करवाया हुआ है तो हमारा क्या बन गया, वीडब्ल्यू अपॉन वीएस इनटू वीएस अपॉन वीवी, ठीक। अब जरा सोचिए, ये फार्मूला हम लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है, वीएस अपॉन वीवी कहाँ पढ़ा हुआ था सर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था ई बराबर वीवी अपॉन वीएस तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पढ़ा हुआ है। तो बेटा ये बताइए, जब हम लोगों ने ई बराबर वीवी अपॉन वीएस पढ़ा हुआ है, तो क्या हम इसे ये कर सकते हैं कि वन अपॉन ई इक्वल टू वी एस अपॉन वी वी, बिल्कुल सर ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। जब ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देख लो, वी डब्ल्यू अपॉन वी एस इंटू वन अपॉन ई, ठीक, हमारा ये बन गया कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, इतना बन गया। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लो हमारा क्या बन के आया था, एस बराबर वन अपॉन ई इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस, ये फार्मूला हमारा बन के आया हुआ। अब ई का हम लोग क्या करेंगे, ई का इधर मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो ई का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी एस, ठीक है सर, इतना तो हमारा बन गया। अब आगे हम लोग करना क्या है, देखो, थोड़ा सा गैस करने के लिए मैं आपको बता दूं
कि अभी हम लोगों को जो फॉर्मूला यहाँ से प्रूव करके निकालना है, फॉर्मूला हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, ई एस बराबर डब्लू जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यही फार्मूला हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, मतलब इन्हीं के बीच संबंध हमें निकालना है। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे आधी प्रोसेस तो कर ली, ई एस हमारा निकल आया, अब हमारे पास बचा क्या है, वी डब्ल्यू अपान वी एस बचा हुआ है, और हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू जी निकालना है। हमारे पास क्या बचा हुआ है, वी डब्ल्यू अपान वी एस बचा हुआ है, और इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू जी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, चलो ठीक है देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पे वी डब्ल्यू अपान वी एस, ठीक, इसकी हेल्प से हमें जी निकालना है। हम लोगों ने यहाँ पे जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा जी का फॉर्मूला गामा एस अपान गामा डब्ल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है सर। हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, जी बराबर गामा एस अपान गामा डब्ल्यू पढ़ा हुआ था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जी बराबर रो एस अपान रो डब्ल्यू पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे दो फार्मूले पड़े हुए हैं, जरा आप दोनों फार्मूले का यूज करते हैं। देखो अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको कहाँ से फार्मूला असर रख रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं। बेटा देखो जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, रिलेशनशिप निकालने में क्या होती है, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन सा फार्मूला कहाँ किसका मल्टीप्लाई करवाना है और कहाँ किसका डिवाइड करवाना है, ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। और यदि यही चीज़ हमें मालूम हो गई तो हम लोग रिलेशनशिप आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक। ये चीज यदि हमें मालूम हो गई तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको आसानी से यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फार्मूला ये भी बताया हुआ था कि S बराबर जब वी डब्ल्यू अपान वी वी बताया था, वी डब्ल्यू अपान वी वी, ठीक, इसको हम लोग ई डब्ल्यू अपान ई वी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, वी डब्ल्यू अपान वी बताया हुआ था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डब्ल्यू अपान ई भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। हमने लिख लिया यहाँ पे ई डब्ल्यू अपान ई। फिर हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो ई डब्ल्यू है, ठीक है, ई डब्ल्यू ई के बराबर होगा, ई डब्ल्यू हमारा ई के बराबर होगा। और दूसरा हम लोग यहाँ पे वाटर क्वाड्रेंट का फार्मूला जानते हैं क्या, डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ठीक है सर। हम लोग ये फार्मूला तो जानते ही जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे वेट है, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका हमारा यहाँ फार्मूला हो जाएगा ई डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा एस इंटू वन, ठीक, ये हमारा कन्वर्ट होके यहाँ पे ये आ गया, ठीक। प्लस गामा एस हम लोग जानते हैं, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू जो हमारा होता है एक कैपिटल जी के बराबर होता है। यहाँ पे देखो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू का ये सिक्वेंस हमें मिल गया है, ठीक। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जी रख देंगे, इसकी जगह कैपिटल जी रख देंगे। जब यहाँ कैपिटल जी रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बराबर ई डब्ल्यू अपॉन जी, ये आ गया, ठीक। इसका जी के यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी जी इंटू डब्ल्यू बराबर हमारा क्या निकला है, ई डब्ल्यू निकला है, ठीक। और अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था, एक ये फार्मूला बताया हुआ था, ठीक, S बराबर ई डब्ल्यू अपॉन ई। जरा इस पे पुट कीजिए कि S बराबर ई डब्ल्यू अपॉन ई, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू एस बराबर ई डब्ल्यू। दोनों में देखिए इधर ई डब्ल्यू बराबर है, इधर ई डब्ल्यू बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई इंटू एस बराबर जी डब्ल्यू कर सकते हैं। और यही हमारा क्या था, यही हमारा
ई एस और डब्ल्यू एंड जी के बीच में संबंध है, यही हमारा यहाँ पे संबंध ये प्रूव हो गया, ई एस और डब्ल्यू जी के बीच में संबंध। ठीक, यहाँ पे हमारा ई क्या है, वाइड रेशियो है, एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और डब्ल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर कॉन्टेंट है। ठीक, ये था हम लोगों का ई डब्ल्यू एस और जी के बीच में संबंध, एक बार देख लो। ठीक, कि कहां से हम लोगों ने कैसे कैसे निकाला हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला मालूम है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है, एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। ठीक है सर, एस डब्ल्यू बराबर वी अपॉन वी वी। और यदि आप लोगों को ये इतनी सारी प्रोसेस ना करना हो तो सीधा आप लोग डायरेक्ट करना इस वाले पेज पे आओ। ठीक, इस वाले पेज पे हमें क्या फार्मूला मालूम है, इस वाले पेज पे हमें ये फार्मूला मालूम है कि एस बराबर, देखते जाओ इधर पे, एस बराबर हमें ये फार्मूला मालूम था कि एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको बराबर कर देंगे ई डब्ल्यू अपॉन ई के, ई डब्ल्यू अपॉन ई के बराबर कर देंगे। ओके सर, हमने कर दिया ई डब्ल्यू अपॉन वी के, ई डब्ल्यू अपॉन ई के बराबर। फिर हमें नेक्स्ट हमें फार्मूला किसका मालूम है, वाटर कॉन्टेंट का फार्मूला मालूम है। वाटर कॉन्टेंट का हमारा फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस होता है। ठीक है सर, हमने कर दिया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। फिर इसके बाद हमने क्या किया हुआ यहाँ पे, इनको हमें कन्वर्ट कर देना है, जब इनको हम कन्वर्ट करेंगे तो ई डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक, ई डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक, डब्ल्यू एस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डब्ल्यू एस, ठीक, डब्ल्यू एस इंटू वन में, ये कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमें फार्मूला मालूम होता है कैपिटल जी का, कैपिटल जी का फार्मूला हमारा क्या है, गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, और इसको उठा के यहाँ पे चेंज कर देंगे। जब ये वैल्यू हम लोग यहाँ उठा के रख देंगे, हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बराबर ई डब्ल्यू अपॉन जी, ये बन गया। और इस जी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, जब इस जी का यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा हुआ था कि एस बराबर ई डब्ल्यू अपॉन ई, वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि एस बराबर ई डब्ल्यू अपॉन ई, और यहाँ से ई का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, जब ई के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, हमारा ई एस बराबर ई डब्ल्यू हो जाएगा। और ई एस बराबर, अब यहाँ पे देखो इधर भी ई डब्ल्यू है, इधर भी ई डब्ल्यू है, जब हम लोगों का एक साइड इक्वल होता है दूसरा साइड हम लोग ऑटोमेटिक इक्वल कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, प्रूव होके आ गया कि ई एस बराबर डब्ल्यू जी, ये हम लोगों के प्रूव निकल आया। और जो ये हमारा संबंध निकल के आया हुआ है, यही संबंध हमारा क्या है, ई एस और डब्ल्यू जी में संबंध है। और बताइए कोई चीज, अभी तक जो बताया हुआ है इसमें यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है कि सर हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसे मैं वो पॉइंट समझा दूं दोबारा से, क्योंकि कल आगे हम लोग, हो सकता है कि इसके जो कुछ रिलेशनशिप हैं, जैसे ड्राई डेंसिटी बल्क डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट, इनके बीच में भी हमारे बड़े बड़े रिलेशनशिप हैं कि जिनके हमें क्या करना होगा, वहाँ पे उनकी प्रूविंग करनी होगी। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे एक दो आप लोगों को लिख देता हूँ कि हमारा क्या होता है, गामा बी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। इसी प्रकार से हमारा होता है गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ये सब हम लोग पता है कैसे निकालेंगे, बस जस्ट हमारा जो फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था, गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, इसी फार्मूले का यूज करके ही हमें निकालना है। और ये हम लोग कब निकाल पाएंगे, जब हमें पूरे कॉन्सेप्ट मालूम हो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, ई बराबर वी वी अपॉन वी एस होता है, एक एन बराबर वी वी अपॉन वी होता है, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस होता है, ठीक, जी बराबर गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी का 27 डिग्री ही टेम्परेचर क्यों लेते हैं बेटा, टेम्परेचर माना गया है
27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी मानते हैं। आप लोगों ने जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आपने क्या पढ़ा होगा, जब भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं ठीक, तो उस समय जो हमारा जितना भी मोर्टार है मींस जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं जैसे एग्रीगेट हुआ, सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, तो उनको जो हम लोग रखेंगे वो क्या एक रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, उसका टेम्परेचर उससे ज्यादा ना होना चाहिए। और जो रूम टेम्परेचर हम लोग डिसाइड किया हुआ था वो क्या था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो इंडियन स्टैंडर्ड ने माना हुआ है कि इसी बेस्ड पे ही हम लोग टोटल कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे। ये मान लो ये हमारा क्या एक एवरेज टेम्परेचर होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एक एवरेज टेम्परेचर होता है, और इसी टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। कि हमेशा यदि आप लोग निकालो एवरेज निकालो बहुत सारे टेम्परेचरों का, आप डेली का एवरेज निकाल लीजिए सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब टोटल 24 आवर्स का, तो वहाँ पे जो हमारा एवरेज निकल के आएगा वो लगभग लगभग हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर ही आएगा। इसलिए बोलते हैं कि हमारा क्या होता है कि इसको, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड ने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एज्यूम कर लिया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड की। जब भी हम लोग कोई भी टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर होनी चाहिए, तो टेस्टिंग हमारी 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, तभी हम लोग ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो इनके सभी के प्रॉपर नोट्स बना लेना ठीक, जितना ही मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखवा है। अब एक दो देखो हो सकता है यहाँ पे कुछ छूट गया हो, कौन कौन से यहाँ पे, चलो दोबारा से यहाँ पे जो इनकी लिमिट्स थी, लिमिट यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिसकी यदि कोई भी लिमिट छूट गई हो तो वो लिमिट यहाँ पे लिख लेना दोबारा से। जो ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होती है ठीक, एन की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी और वन से कम होगी ठीक। इसी प्रकार से जो एस है, एस की वैल्यू जीरो से ज्यादा या बराबर हो सकती है और वन से कम या बराबर हो सकती है ठीक। इसी प्रकार से जो एयर कंटेंट है यानी एसी, उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो से ज्यादा या बराबर हो जाएगी और एक से क्या होगी, एक से कम या बराबर हो सकती है ठीक। दूसरा है हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज एयर वाइड्स है, यानी एन ए की वैल्यू वो जीरो, जीरो से ज्यादा या बराबर ठीक, लेकिन एक से कम होगी ठीक। इसी प्रकार से जो हमारा वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज़्यादा या बराबर होगी ठीक। और यदि इसकी लिमिट लिखना चाहो तो इसकी लिमिट हमारी क्या होगी, जीरो ठीक है, जीरो से ज़्यादा या बराबर डब्ल्यू, और क्या होगी, एक से कम होगी ठीक। ये लिमिट्स हैं, इतनी लिमिट्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये लिमिट्स आप लोगों को क्यों मालूम होना चाहिए, आप आगे कंपटीशन के प्रिपरेशन करेंगे और ना ही कंपटीशन के प्रिपरेशन करेंगे। मान लीजिए बाई चांस आपसे पूछ लेता कि बेटा ये बताइए वाइड रेशियो क्या होता है, तो आपने क्या किया, वाइड रेशियो को तुरंत डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला के साथ साथ यदि यहाँ पे वहाँ पे ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर देते हैं कि सर कि ई की वैल्यू इतने से इतने के बीच में लाई करती है, तो आपको क्या करेगा वहाँ पे, अच्छे मार्क्स देगा ठीक। वहीं पे यदि आपसे पूछ लेता है कि बेटा ये बताइए कि यहाँ पे हमारी जो पोरोसिटी होती है या पोरोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने क्या किया, या पोरोसिटी क्या होता है, तो आपने तुरंत पोरोसिटी का डिफिनेशन बताया कि पोरोसिटी की डिफिनेशन ये होती है, पोरोसिटी का फार्मूला हमारा ये होता है। बट उसके साथ में यदि आपने वहाँ पे ये लिमिट मेंशन कर दी, तो क्या करेगा वो, तुरंत जितने मार्क्स का भी है फुल में से फुल मार्क्स आपको देगा ठीक। सेम इसी प्रकार से यदि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में आपसे कुछ पूछता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तुरंत वहाँ पे ये वाला इंडिकेशन लिख देंगे वहाँ पे ठीक। नेक्स्ट यदि आपसे वो एयर कंटेंट पूछता है, तो एयर कंटेंट के बेस में आप लोग क्या करेंगे, तुरंत एयर कंटेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। हमेशा कोशिश ये करना कि कोई भी चीज़ लिखो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो ठीक। सबसे पहले पॉइंट पे आपने क्या कर दिया कि एयर कंटेंट को एसी से इंडिकेट करते हैं ठीक, एसी से प्रदर्शन करते हैं।
दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि जो हमारा एयर कंटेंट होता है, एयर कंटेंट की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है वो आपने यहाँ पे लिमिट भी लिख दी, प्लस एयर कंटेंट का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी वहां पे लिख देना है, ठीक। ये सब लिखने के बाद नीचे फिर वहां पे लिख दो उसकी डेफिनेशन लिख दो, और डेफिनेशन कैसे बनाओ वो डेफिनेशन उसी फार्मूले की यूज से ही वहां पे डेफिनेशन बना दो, फार्मूला डेफिनेशन आप लोगों को अलग से याद नहीं करनी है। इसी प्रकार से यदि आपसे परसेंटेज एयर वर्ड्स पूछता है कि बेटा ये बताइए परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या है, तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे वहां पे ये वाली लिमिट वहां मेंशन कर देंगे, प्लस उसका फार्मूला भी वहां पे उसे बता देंगे, ठीक। इसके साथ में यदि आपसे पूछता है कि वाटर कंटेंट क्या होता है, तो वाटर कंटेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे उसका डेफिनेशन बताएंगे, फार्मूला बताएंगे और उसकी ये वाली ये लिमिट्स बता देंगे, ओके। जब आप लोग ऐसा करते हैं तो वहां पे जो उसका मार्क्स देने का तरीका होता है, ये नंबर ऑफ मार्क्स यदि वहां पे 3 मार्क्स दे रहा होगा आपके 5 में से, तो वहां पे क्या करेगा वो 5 में से ना 5 देगा तो कम से कम 4.5 तो आपको दे ही देगा, ठीक। यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नंबर इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। यदि आपसे सिर्फ उसने डेफिनेशन पूछा हुआ है तो आपने डेफिनेशन अकेले लिख दिया, तो यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कभी भी 5 नहीं देगा, मुश्किल से 2 या 2.5, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 3 नंबर दे। बट यदि आप लोग इसके साथ साथ ये भी वहाँ कंसिडर कर देते हैं, यदि इसके साथ साथ आप लोग वहाँ पे ये भी कंसिडर कर देते हैं, वहां पे इसका फार्मूला ये है, इसकी लिमिट इतने से इतने तक होती है, ठीक। और चाहे तो आप लोग वहां रख के भी दिखा सकते हैं। कैसे रख के दिखाएंगे ये देख लो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपसे पूछा कि बेटा बताओ जरा ई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो आपको मालूम है फार्मूला क्या है, ई बराबर वीवी अपान वीएस, आपने तुरंत वहां पर रखा ई बराबर वीवी अपान वीएस, ठीक। फिर हमें मालूम था, क्या मालूम है कि ई की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक है सर, ई की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी ई की, ध्यान देना, ई की मैक्सिमम वैल्यू 0 से ज्यादा क्यों होगी, वो इसलिए 0 से ज्यादा होगी क्योंकि देखना यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आप क्या कर सकते हैं, वी एस के बराबर कर सकते हैं, यानी वी एस बराबर वीवी कर सकते हैं, कर दीजिए जरा यहाँ पे वी एस बराबर वीवी। जब आप वी एस बराबर वीवी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी एस अपॉन वी एस कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ई की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। वहीं पे अब ये बताइए इसकी वैल्यू आप इससे कितनी कम करेंगे, ठीक। इसीलिए उसने यहाँ पे लिमिट रखा हुआ है कि जो ई की वैल्यू होती है ई की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी, यानी किसी भी केस में ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, किसी भी केस में ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ई की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी, और जो ई की मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। 1 कब होगी, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा तब ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, ओके। और बताइए किसी कोई क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है आप? ठीक, जितना भी मैंने बताया हुआ है इन सब पॉइंट्स को वहां पे क्लियर कर लेना, और कल की क्लास में हो सकता है कि आप लोगों को अभी लास्ट में जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बताया हुआ था ESR ESWG में रिलेशनशिप बताया हुआ था, हो सकता है कि थोड़ा समझ में ना आया हो, क्योंकि ये फार्मूला मैंने आप लोगों को आज ही बताए हुए हैं, इन्हीं फार्मूले के यूज करके मैंने वो रिलेशनशिप आपको बता दिया, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, मैं ये रिलेशनशिप आपको कल भी बता दूंगा, कि लेकिन बस आप लोगों को काम क्या करना, जितने भी फार्मूले मैंने बताए इन सब फार्मूलों को आपको लिखना है और इन सब का रिवीजन करना है, ठीक है। जब आप लोग इतना कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक।
अब कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको यही रिलेशन से भी बता दूंगा कि ई एस और डब्ल्यू जी में हमारा क्या संबंध होता है, और उस संबंध के साथ साथ हमारा जो बल्क डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट है, ठीक, या ड्राई यूनिट वेट है, ये सब कैसे निकलते हैं, इनके जो अभी मैंने बड़े बड़े फार्मूले बताए हुए थे, ये फार्मूले कहाँ से निकल के आते हैं, कैसे हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक। सिर्फ आपको एक फार्मूला ड्राइव करना है, एक फार्मूले की हेल्प से हम उसमें कुछ वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और हमारे जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले उससे आसानी से हमारे बनते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सबके लिए अलग अलग फार्मूले में याद करना हो। अभी भी आपने देखा होगा तो हो सकता है यदि आपने गौर किया होगा कि मैं सिर्फ एक या दो मैंने फार्मूले बताए हुए हैं, बट उन्हीं फार्मूले की हेल्प से मैंने नए नए फार्मूले बनाए हुए हैं। वो आप लोग आप भी कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग सोचे कि सर आपने गामा डी का अलग फार्मूला बताया, गामा एस का अलग फार्मूला बताया, गामा का अलग फार्मूला बताया, वहीं पर रो का अलग फार्मूला बताया, रो डी का अलग बताया, रो एस का अलग बताया। तो बेटा सिर्फ आपको रो याद करना है, और रो भी आपको नहीं याद करना है क्योंकि आपको पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है हमारा, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग लास्ट ईयर से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लास्ट ईयर के और उसके लास्ट में चले जाओ तब से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं कि घनत्व बराबर हमारा द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और अब भी यदि आप लोगों को ये सब याद करना पड़े तो सर आप लोगों की बेवकूफ़ी है। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, थोड़ा चेंजमेंट आप करते हुए चले जाएंगे और आसानी से आप ये सब हो जाएगा, ओके। तो आज की क्लास, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू गाइज।